ब्रैकेट में, यहां पे लिख लेना दिस इज अ सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग इसलिए क्योंकि चार्ज वॉल्यूम के इनसाइड है, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, ठीक। तो हमने ई का फॉर्मूला तो किया ही था, इसमें हमने ई का फॉर्मूला किया था अगर आपको याद होगा, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर क्यू चार्ज है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, रो वॉल्यूम वाइज, तो यहां पर ई का फॉर्मूला शेल वाला सेम था, तैयार कर लो। तो यहां पर आर डिस्टेंस पे ई का फॉर्मूला क्लियर है, 1/4πε0Q/r² शेल वाला सेम ही तो है, सॉलिड स्फीयर का और शेल का फॉर्मूला स्मॉल आर डिस्टेंस दूर सेम है, राइट। तो यहां पर वी का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम। चलो एक टेंशन तो खत्म। तो शेल और सॉलिड स्फीयर में ई और वी के फॉर्मूले बाहर शेल के या स्फीयर के क्या रहते हैं, सेम, डन, सही। सरफेस के ऊपर सेम, सरफेस के ऊपर भी ई का फॉर्मूला पता ही है, वही सेम है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो वी का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। तो ई भी सेम, वी भी सेम, कोई डाउट, ये भी क्लियर है यहां तक, ओके। नेक्स्ट, पोटेंशियल इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर, ये नॉट फॉर एनसीईआरटी, नॉट फॉर एनसीईआरटी ये वाला टॉपिक, मतलब प्रूफ इज नॉट फॉर एनसीईआरटी, प्रूफ इज नॉट फॉर कॉम्पिटिशन ऑल्सो। फिर ढाला क्यों है, दिखाने के लिए, देखो ऐसा भी होता है, बताता हूँ क्यों डाला, बताता हूँ, कॉम्पिटिशन के लिए आता तो नहीं है, बट अगर आया तो क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता देता हूँ, आप जरा ध्यान से समझना इस टॉपिक को। तो कॉम्पिटिशन में हल्का सा माइनर चेंज आ सकता है, अगर तो सीधा क्वेश्चन आ गया फिर तो फॉर्मूले से चल जाएगा काम, एक अगर उसने ट्विस्ट कर दिया तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा, आपको मेथड सीखना पड़ेगा, मैं मेथड सिखाता हूँ। इसके स्टेप्स जो है समझने से पहले आप ये समझें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है, ये डी पॉइंट है जहाँ पर मुझे क्या निकालना है, वी, क्वेश्चन क्लियर है, मुझे वी निकालना है। सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है अगर बी, सरफेस के ऊपर वी का फॉर्मूला भी करवाया मैंने, 1/4πε0Q/r, सरफेस का तो फॉर्मूला कर लिया हमने, लेकिन सरफेस पे नहीं निकालना, हमने कहाँ निकालना है, डी पे निकालना है, करें स्टार्ट। डी का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, छोटा आर है, राइट। अब मुझे ये पता है कि सॉलिड स्फीयर के इनसाइड मान लो डी पॉइंट पे अगर मैं ये पूछूं कि ई की वैल्यू कितनी है, तो ई का फॉर्मूला हमने किया था, याद है, रो आर बाय 3ε0 फ्लक्स में, ये तो याद है, ई हमने इसके इनसाइड यहां पे कर लिया था, क्या निकालना है, वी, याद है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। तो मैं काम करूंगा डी वी इज माइनस ई डी आर, क्लियर है, लगा लूं, ये लिख लिया, इंटीग्रेशन करूं, ई की जगह ये फॉर्मूला पुट कर लिया, क्योंकि इनसाइड लगा रहा हूं ये फॉर्मूला, कहां लगा रहा हूं, यहां लगा रहा हूं ये फॉर्मूला, तो इसके अंदर E का फॉर्मूला तो क्लियर है आपको, रो आर बाय 3ε0 क्लियर है, अब लिमिट्स का खेल है सारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट्स ध्यान से इमेजिन करो कि आप B से D पे आ रहे हो, इमेजिन करो आप B से D पे आ रहे हो, आपको मैं क्यों इमेजिन करूं, मैं इंफिनिटी से क्यों नहीं आ रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में लिमिट लगवाई थी इंफिनिटी से आ, अब कह रहे हैं B से D पे आ जा, मैं लॉजिक बताता हूं ऐसा क्यों किया। इमेजिन करो आप B से D पे आ रहे हो, या इमेजिन करो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो बी और डी का, आपको कहे लेकिन वो तो निकालना ही नहीं है, मेरे को तो डी का पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा निकालना है। अब मेरे कहे पे दो मिनट ऐसा मानो कि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो बी और डी का, तो आप लिमिट क्या लगाओगे, वी बी और वी डी, मतलब मान लो आप बी से, इमेजिन करो कि आप बी से किसी भी चार्ज को, बी से किसी भी चार्ज को कहां पे लेके आ रहे हो, डी पे, आप चार्ज को कहां से कहां लेके आ रहे हो, बी से डी पे, तो डी इज द फाइनल पोटेंशियल एंड बी इज द इनिशियल पोटेंशियल, मान लिया
तो ये आपका कौन सा पॉइंट माना जाएगा? इनिशियल। ये आपका कौन सा पॉइंट माना जाएगा? फाइनल। तो लिमिट क्या लगती है? इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल का पोटेंशियल कितना है? वी बी, और फाइनल का कितना है? वी डी। लगा लिया यहां पर, ठीक है। अब डिस्टेंस की लिमिट देख लें। जब वी बी है, बी पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पे है? कैपिटल आर। तो बी पॉइंट कितनी दूरी पे है? कैपिटल आर। डी पॉइंट कितनी दूरी पे है? स्मॉल आर। तो डी पॉइंट कितनी दूरी पे है? स्मॉल आर। तो क्लियर है यहां तक? तो लिमिट्स लगा दी मैंने वी बी से वी डी, और कहां से कहां? कैपिटल आर से छोटा आर। तो यानी कि मैं कहां से कहां मूव कर रहा हूं? बी से लेके डी पे, ठीक है। ऐसा क्यों किया उसका आंसर देता हूं। पर अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने ऐसा किया तो लिमिट लग गई। इसकी इंटीग्रेशन वी, वी बी से वी डी माइनस रो थ्री एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। आर डी आर की इंटीग्रेशन क्या है? आर स्क्वायर बाई टू कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो एक बार वी की जगह वी डी, एक बार वी बी, और यहां पर स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू और कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू। क्लियर है? पुट कर दिया, कोई याद नहीं करना कोई स्टेप, कोई टेंशन नहीं है, एंड फॉर्मूला याद करेंगे। तो यहां पर रो पुट करेंगे। रो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। चार्ज कितने है? क्यू, और वॉल्यूम कितना है? फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यू। क्लियर है? तो पुट कर दिया। इसको अगर सॉल्व किया, सॉल्व किया तो मेरे पास ये टर्म आ गई, पर मेरे को क्या निकालना है? वी डी। तो एक काम करते हैं, वी बी को राइट साइड पे ले जाते हैं यहां पर, ये देखो। तो मेरे को इसमें क्या निकालना है? वी डी। तो वी बी को राइट साइड पे ये टर्म आ गई, और वी बी की वैल्यू तो सरफेस पे मुझे ऑलरेडी मालूम थी, मैंने पुट कर ली। तो सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके कॉमन निकाला। आपने ये याद रखना है बस। अब मैं आपको ये फॉर्मूला नोट कर लें, तो आपको ये प्रूफ नहीं पूछेगा वो, कोई टेंशन नहीं। मैंने क्यों करवाया मैं बताता हूँ। ये क्लियर है यहाँ तक? आपको फॉर्मूला ही पूछेगा। इतना बड़ा प्रूफ कौन पूछ रहा है यार कॉम्पिटिशन, एनसीईआरटी में वैसे ही पूछेगा नहीं, कॉम्पिटिशन में इतना करेगा कौन, राइट? फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूला आया हुआ है कॉम्पिटिशन में, नीट और मेन्स में आया हुआ है ये फॉर्मूला। ऐसा नहीं है कि आ सकता है, आप पुराने पेपर में देखेंगे तो आपको मिलेगा ये फॉर्मूला, राइट? और फिर वो ये पूछेगा सेंटर के ऊपर वी कितना है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे वी कितना है। सेंटर के लिए मैं क्या करूंगा? छोटे आर को जीरो। सेंटर के लिए छोटा आर क्या कर दूंगा? जीरो। तो ये डी पॉइंट कहां पर आ जाएगा? सेंटर पे। तो जैसे ही छोटा आर जीरो पुट करूंगा इस फॉर्मूले में, तो ये टर्म उड़ जाएगी, आंसर ये आएगा। तो ये फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर के सेंटर के ऊपर ये वी का फॉर्मूला। कैसे याद करना है? जितना पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे होता है कितना होता है? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय बड़ा आर, उसके 3 बाय 2 टाइम्स होता है आंसर, ठीक है। ग्रेविटेशनल में अर्थ पे पूछेगा क्वेश्चन, अर्थ के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम बाय आर, करेंगे ग्रेविटेशन में। उसके सेंटर पे क्या होता है? 3 बाय 2 टाइम्स होता है आंसर। ये प्रूफ है, ग्रेविटेशन में नहीं करते इसका प्रूफ। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो फॉर्मूले दो याद रहेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि उसको क्या सपने में आ रहा है बी और डी पॉइंट लेने हैं। इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया? क्योंकि शेल के केस में कहां ली, लिमिट क्या ली थी? इन्फिनिटी से आर। इसमें नहीं ली, रीजन देखो। अगर आप इस सॉलिड स्फीयर के बाहर कहीं बात करते हो तो बाहर पोटेंशियल के फॉर्मूले डिफरेंट हैं और अंदर पोटेंशियल के फॉर्मूलास डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बाहर ई डिफरेंट है, अंदर ई डिफरेंट है। तो दो अलग अलग रीजंस हैं, अंदर बिल्कुल अलग फॉर्मूलास चल रहे हैं, बाहर अलग चल रहे हैं। हम दो रीजंस को मिक्स नहीं कर सकते। अगर मैं ये लिमिट लगा देता हूं इंफिनिटी से छोटा आर, तो देखो रीजन चेंज हो रहा है, फर्स्ट रीजन सेकेंड, देखो दो रीजन चेंज हो गए। तो इसलिए हमने लिमिट इंफिनिटी से आर नहीं लगाई, हमने बी से आर लगा ली। आंसर तब भी आ गया, पॉइंट समझ में आ रहा है? दो रीजन की वजह से, जब रीजन चेंज होता है तो एक साथ कॉन्टिन्यूस लिमिट नहीं लगती। या तो ब्रेक करके लगाओ, लगाओ यहां से इंफिनिटी से कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर, पर उतना कॉम्प्लेक्स हमने किया नहीं, तो हमने बी और डी के साथ काम कर लिया। नीट वाले तो भूल ही जाएंगे, प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद कर लें, काम उठा। मेंस वाले भी
99% फॉर्मूलाज पे ही क्वेश्चन आएंगे, बट 1%, सिर्फ 1% अगर उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, एडवांस में तो पक्का करता है, एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्या आता है, हर बहुत साल में आता है, मतलब हर साल आता ही रहता है ऐसा क्वेश्चन, वो आपको डी पॉइंट का पोटेंशियल पूछेगा। आपको कहेगा तो फॉर्मूला याद कर लिया आपने, आंसर नहीं, वो कहेगा पोटेंशियल निकालो, रो की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, रो कहेगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर है कुछ भी, तो आपको रो वो चेंज कर देगा, तो यहां पर रो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, मान लो रो की वैल्यू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर है तो पुट करनी पड़ेगी और फिर नई इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, बस ये फर्क होगा, मेथड विल रिमेन, बस यही फर्क है एडवांस में, मेंस में और नीट में। एनसीईआरटी में नहीं आएगा, एडवांस में आएगा, मेंस में प्रूफ नहीं आएगा और नीट में बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मूले आएंगे। क्लियर है? आप मेंस का पेपर जो सॉल्व करने को दूंगा ना, तो आप देखेंगे उस पर सिर्फ ये फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट? क्लियर है? ग्राफ, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं सॉलिड स्फीयर का, वी का, तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड, इनसाइड वी का बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ये रहा, ये रहा। कौन ड्रॉ करेगा इसका ग्राफ? मेरे को नहीं आता तो मैंने याद कर लिया, ये ऐसा ग्राफ है, व्हेन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो ग्राफ ऐसा है। हाँ, बाहर मुझे पता है, अगर सॉलिड स्फीयर के बाहर आ जाती हो तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो ये रहा। तो आपको पेपर में मार्क करने को आएगा सॉलिड स्फीयर का ग्राफ प्लॉट करो वी का, ये ग्राफ है। समझ में आया? ग्रेविटेशन में आएगा, सेम ग्राफ है, ऐसा ही सेम हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? ग्राफ तो वी के फॉर्मूले क्लियर है, ग्राफ भी क्लियर है। राइट? इसका मैंने वो नहीं बनाया यार, ये बनाया यार, कमाल है, मैंने बोला था यार मैं फ्री था, ये देखो मैंने फिर बनाया है ताकि याद कर सके स्टूडेंट की इतनी लंबी कहानी कौन पढ़ेगा, कॉम्पिटिशन में जाओगे तो इतनी लंबी कहानी कौन पढ़ रहा है, ये पढ़ोगे ना, तो क्या करो, आपको रजिस्टर भी ऐसे मेंटेन करने चाहिए ताकि आप फटाफट गो थ्रू करो, यही तरीका है। तो ये एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के बाहर वी का फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर के ऊपर वी का फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर के अंदर वी का फॉर्मूला, तीन फॉर्मूलास प्रूफ नहीं कर रहे हम। नेक्स्ट क्यू, क्यू क्या होता है, इसमें सिग्मा वाइज नहीं है, सॉलिड स्फीयर में रो वाइज है ना, डेंसिटी रो, तो रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से, तो रो की जगह क्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रो इनटू वॉल्यूम, तो इस क्यू की जगह रो इनटू वॉल्यूम आंसर, तो वी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रो। क्लियर है? नया फॉर्मूला। नेक्स्ट, इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी सेम, कैसे सेम, स्मॉल आर को इस क्यू को क्या पुट किया, रो इनटू वॉल्यूम आंसर, वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर छोटे आर को कैपिटल आर पुट कर दो आंसर, छोटे आर को कैपिटल आर, सरफेस के ऊपर आ जाओगे, और सॉलिड स्फीयर के अंदर तो वी का फॉर्मूला एक ही है, तो बन गए छह फॉर्मूलास, तो तीन फॉर्मूलास ई के, तीन फॉर्मूलास वी के, याद हो गए ये फॉर्मूलास, और सेंटर का अलग सातवां फॉर्मूला, बोला था ना आपको रजिस्टर भर जाएगा और बहुत फॉर्मूलाज हैं, ठीक, मतलब सेमीकंडक्टर्स के अंदर तो 20 फॉर्मूलाज इकट्ठे हैं ऐसे, 20 के 20 इकट्ठे एक मिनट में तैयार हो जाएंगे, आधे घंटे में, तभी तो कह रहा हूँ प्लस टू में तो फॉर्मूलाज याद हो जाएं, तो बंदा कहता है यार मेरे को प्लस टू की डिग्री दे दो यार, बस मैं प्लस टू से जाऊँ, इतने फॉर्मूलाज हैं, तो अच्छे खासे फॉर्मूलाज हैं, तो इसका यही तरीका है, बार 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 रिविजन, मिलते जुलते हैं, लेकिन अच्छी बात यह मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज है। देखो प्रिंसिपल और रेपिटेशन, चार बार करोगे कन्फ्यूजन नहीं होगी, तभी तो प्रिंसिपल पहले बता दिया था मैंने आपको, चार बार क्लियर दिखेगा, पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो वह कन्फ्यूजन हो जाएगी, आप टेंशन मत लो, मेरी पूरी गारंटी है पेपर में जाने से पहले आपको भूलने नहीं दूंगा, 100 टेस्ट, बार 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 टेस्ट ही होते जाएंगे, याद हो जाएगा, कुछ स्कूल वाले लेंगे कुछ हम लेंगे, बराबर हो गया फॉर्मूला, ठीक है यहाँ तक तो बढ़िया लगा रिजल्ट, ठीक है। कौन सा? ओ एक रह गया, लाइन रह गया भाई, लाइन रहेगी, लाइन।